भाई सुबह से आपकी वीडियो वायरल, आप आरती के दर्शन कर रहे बोल के, तो इस बारे में कॉल करा था मैं। पब्लिक इसको किस नजरिए से देख रही, आप भी बेहतर जानते हैं, खासकर एक तबका मुसलमानों का नाराजगी फैली हुई है कि फिर उसका ऐसा आरती की क्या बोलते हैं आप, आरती ले रहे हैं बोल के। ओके, आपका इंटेंशन जानना चाह रहा था, सब जानना चाह रहे ना। सुनिए, फर्स्ट पॉइंट, फिरोज खान जब भी कोई काम करते तो गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुसलमान यूनिटी के लिए काम करते, नंबर वन। ओके, नंबर टू, बचपन से जहाँ पर भी मैं हिमायतनगर में पैदा हुआ था, आजू बाजू पूरे मेरे दोस्त हिंदुआन थे। ओके, और जो आज भी है, और मैं उनके घर में जाता था, पटाखे फोड़ता था, उनके साथ ही रहता था। और रही बात जिस तरीके से एक तबरुक होता, जैसा हम देते तो वो खाते, तो जब वो हमारी उनकी मोहब्बत में राइट वो आरती को मानते, तो वो आरती की इज्जत करना कोई गलत बात नहीं है। फिरोज खान मुसलमान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम आपको पहले से बोल दिए, फिरोज खान का नाम क्या है, फिरोज खान बोले तो आशिक रसूल, और अगर से बात हिंदुस्तान की आती तो फिर भगत सिंह। सो ये हमारा नेचर है, सबको मिला के चलना, सबको लेके चलना, उसमें 1% भी किसी ईमान लाने की चीज नहीं है, सबको रिस्पेक्ट करना। ये फिरोज खान का कल्चर है, ये मेरे देश का कल्चर है, ये मेरे तेलंगाना का कल्चर है, ये मेरे हैदराबाद का कल्चर है। जी, मगर भाई जी, समझ गया मैं आपकी बात। मैं उम्मीद भी ये कर रहा था कि आपकी तरफ से जवाब मिलेगा। जैसे कि 2023 इलेक्शन सामने आ रहा है जी, तो एक अफवाह भी गर्म है, आपके छोटे भाई कांग्रेस में सरगर्म नजर आते हुए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ एक्टिविटीज में नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी अफवाह है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कल की ये जो वीडियो वायरल हुई उसको देखते हुए आप हिंदू वोट बैंक को जमा करने के लिए, अपने हिंदुइज्म को खुश करने के लिए, हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए, ये आप जो भी कल करे इसी वजह से करे बोल के एक मैसेज आ रहा है। अच्छा, सुनिए मेरी बात। फर्स्ट नंबर वन पॉइंट आपकी इतला के लिए बता दूं कि मेरा विरक्कस वेंस, तो मेरे पैरों के रगों का ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए मैं लास्ट मंथ 1 वीक सेंचुरी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद 1 वीक घर में था। उसके बाद में मैं अफ्रीका गया, हमारे दोस्त की बेटी की शादी थी, अफ्रीका में था। वहां से आपको मालूम है दुबई में मेरा कारोबार है, बिल्डिंग लीज पे लेके सब लीज पे देते। और आपकी इतला के लिए हमारे पार्टनर यूसुफ भाई है, जो मेरे बचपन के दोस्त है, और उन्होंने दुबई में रहते, मेरे को अग्रीमेंट्स पे साइन करना है, उसके लिए मैं लास्ट पूरा वीक क्या बोलते दुबई में था, उससे पहले अफ्रीका में था, उससे पहले मैं हॉस्पिटल में था। तो 40 दिन से मैं अवेलेबल नहीं था, 2 दिन पहले आया और फिर मैं एक्शन में आ गया हूँ। भारत जोड़ो यात्रा की आपकी कोई प्रोग्राम में भी नजर नहीं आया यहाँ पर। सुनिए, बोला 40 दिन के, मैं आपको 40 दिन का मेरा ब्रीफ दे दिया ना, पॉइंट राइट, सिंपल एक बात, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगा वो आवाम को आप बताएंगे, तो मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि 40 दिन से मैं ये कामों में बिजी था, राइट फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे कि आप बीजेपी में जा रहे हैं और आप हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक समझा दूं, मेरी एक आंख अगर से हिंदू है तो दूसरी आंख मुसलमान है। मैं फिर को क्लियर कर रहा हूँ, हर टाइम हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, पीस के लिए, ब्रदरहुड के लिए फिरोज खान कभी भी सामने आया। तो फिरोज खान को ये चश्मा निकाल के छोड़ दो, उन्हें मंदिर को गया, चर्च को गया, गुरुद्वारे को गया, आरती लिया, पूजा में था, वो बोनाल में गया, वो मंदिर में गया, वो सब छोटे मोटे बात निकाल दो। मैं आवाम का आदमी हूँ और मैं ऐसे क्लियर कट बोल दिया हूँ, 1 लाख टाइम नहीं, 1 और टाइम, लफ्ज़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, बस। मेरा रसूल जो बात बोला कि सारे आलम का मैं हूँ इंसानियत, सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है, रसूल अल्लाह, हर जगह बोला, बोल दिया। और कोई एक बेतुकी बात रसूल अल्लाह के ऊपर करे तो आज उसको पीढ़ी में भेजा दिया। तो सिंपल लॉजिक, इस पे आप मजहब को मत लाइए, सबकी मोहब्बत, पीढ़ी में आप भेजा है बोल के आपके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं बड़ा। मेरे को जो गवर्नमेंट को बोलना था मैं सीना ठोक के बोला, आप आपका रोल अदा करें, बाकी जिसकी जो रोल अदा करना चाहिए था
जो जो आपके हंड्रेड लेवल चलते परसेंट हैं, मेरे लेवल पे काम करा, आप आपके लेवल पे काम करे, तो हम सब हम जीतेंगे। देखो 100% रसूल अल्लाह के बारे में कोई बोला तो उन्हें जेल में रहना, जो उन्हें जेल में है दैट्स ऑल। नेशनल टीवी पे भी बोला, आज आपको भी बोल रहा हूँ, जो फिरोज खान है वो रियल है, फिरोज खान एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करता, जो है वो है खत्म। आशिक है रसूल है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता, अगर से गलती है रियाज साहब जी मारे जी जब तक करते गलती। नहीं, ठीक है साहब। और एक लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ, अब 2023 में आप वो हिस्सा लेंगे, आपके छोटे भाई हिस्सा लेंगे फिरोज इलेक्शन में? खान मारे, सुनिए, राशिद खान लड़ना है तो कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ लो, बोलो। फिरोज खान का आखिरी खतरा खून का, सांस का, जिंदगी का चुनाव है। मैं योद्धा हूँ, मेरा काम जंग लड़ना है रिया साहब, मैं ड्रामा नहीं करता, इलेक्शन तो मैं लड़ता ही, अल्लाह की मर्जी मेरी आवाम की मर्जी, बस मेरे को जिताएंगा वेरी गुड, नहीं जिताएंगा नो प्रॉब्लम, मरता उम्र तक फिरोज खान लड़ते रहेगा। राशिद लड़ना है कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लो बोलो, बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ लो बोलो। राइट, ओके सर, बेस्ट ऑफ लक 2023 थैंक के यू लिए। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया मीडिया फाइजन के लिए बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।